मटेरियल से ले लिया। ओ भाई साहब मैवरिक क्या निकली, भाई साहब मैवरिक गजब निकल रही है यार। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो मेरे सामने हीरो मैवरिक 440 जो अभी अभी लॉन्च हुई है, ये रखी हुई है। एंड यहाँ पर जहाँ से हीरो मैवरिक का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, हार्ले डेविडसन X440, ठीक है। तो दोनों बाइक यहाँ पे हमारे पास है एंड दोनों बाइक को आज हम लोग भगाएंगे एंड देखेंगे कि मतलब एक छोटा सा ड्रैग रेस करेंगे। यहाँ पर बढ़िया सा रोड है, ठीक है, और कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है मतलब उसका एंड इसका कैसा क्या रिजल्ट मिलता है हम लोग को देखेंगे। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो है 190 किलो वेट है इसका, उसका वेट है 187 किलो, तो वो थोड़ा सा हल्का है यहाँ पर। एंड पावर फिगर्स यहाँ पे दोनों का सेम ही है, 27 BHP जनरेट करती है दोनों बाइक, सेम ही इंजन है, ऑब्वियस सा बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्यून अप किया गया है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट ट्यूनिंग है। वो प्रोड्यूस करती है 36 NM ऑफ टॉर्क एंड इसका टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, 38 NM ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो दोनों बाइक को स्टार्ट करते हो, एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ आप लोगों को एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं छोटा सा ड्रैग रेस अपना। ये बाइक पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया गाइस, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी बढ़िया है बाइक का, लुक्स वुक्स बोल लो सब कुछ। तो ऑलमोस्ट सेम ही साउंड है, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट वगैरह का शेप है ना थोड़ा अलग है। तो चलो करते हैं अपना ड्रैग रेस स्टार्ट। यहाँ पर हमारे साथ अरिंदम भैया है, हार्ले चलाएंगे एंड मैं चला रहा हूँ यहाँ पर मैवरिक। ओ भाई ये तो इनिशियल से ले लिया। ओ भाई साहब मैवरिक क्या निकली, भाई साहब मैवरिक गजब निकल रही है यार। अरे हार्ले तो दिख ही नहीं रहा है इनिशियल से, इतना क्विक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मैवरिक गजब निकल रही है, हार्ले पीछे भी नहीं है कहीं पर, मिरर पे भी नहीं दिख रहा है। सिक्स गियर पे मैंने शिफ्ट कर दिया है, तो भाई ने थ्रॉटल छोड़ दिया था इसलिए ये आगे मतलब ये आगे निकल पाई है। ओ भाई साहब दो टॉर्क कम है, लेकिन देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इनिशियली वो लेकिन मेरे से पहले लॉन्च किए थे, ये चीज़ आप लोग वीडियो में अच्छे से नोटिस करना, मैं थोड़ा सा डिलेड लॉन्च किया फिर भी मैं निकल गया। एंड यहाँ पर मेन क्या हो रहा है पता है उसमें, क्योंकि देखो टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है तो उसका जो मतलब BHP फिगर है ना वो ऐसे कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, मैक्स BHP वो आने में टाइम लगता है, हिट करने में टाइम लगता है। इसमें क्या हो रहा है टॉर्क थोड़ा सा कम करके और थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर का बना दिया गया इसको, इंजन थोड़ा सा हल्का है इसका, इसके वजह से ज़्यादा भाग रही है ये, क्विक भाग रही है। एंड देखो यहाँ पर दोनों का वेट हम लोग का सेम ही है, 75 किलो के आसपास, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक और अटेम्प्ट लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं। इनिशियल में तो ले रहा है बार बार, मैंने अच्छी करी थी लॉन्चिंग, लेकिन मैवरिक निकल रही है। लेकिन इस बार उतना ज्यादा पीछे नहीं छोड़ पाया हूं मैं, पीछे ही है लगभग। ओहो दोनों इक्वल चल रहे हैं अभी। हल्का सा स्लिप स्ट्रीम लेंगे और ये आगे,
और मैवरिक निकली आगे। हाँ, जब तक थ्रॉटल नहीं छोड़ रहा हूँ तब तक तो हार्ले आगे जा ही नहीं पा रही है, थ्रॉटल छोड़ते ही आगे निकल रही है। मान गया भाई, इसको मान गया लिटरली। एक और अटेम्प्ट लेंगे यहाँ पर ताकि कोई चांस मिस ना हो। इनिशियल में फिर से लीड, बहुत लंबा लीड। ओ भाई साहब, मिरर में दिख रहा है मुझे एकदम पीछे ही है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं है। देखो स्लिप स्ट्रीम के साथ ये आगे निकल सकती है, देखो बराबर बराबर। क्या मैं फिर से ले पाऊंगा लीड? एक साथ जा रही है दोनों और मैंने यहां पे हल्का सा लीड ले लिया है। मैवरिक निकली भाई, रिजल्ट मेरे ख्याल से वही है, सेम है। मतलब कभी मैं आपको सेम है, आपने नोटिस किया हम लोग जब रेडर वैसे एक्सट्रीम कर रहे थे सेम हो रहा है। अभी आप आगे निकल रहा है स्लिप स्ट्रीम से, मैं आगे निकल रहा हूं। ये कैसे हो रहा है यार, पता नहीं। अभी भाई दोनों भाई सेम है। चलो अभी स्विच करके चलाते हैं, स्विच करके चलाते हैं, ठीक है। चलिए भाई गजब। और यहाँ पे मैं आगे निकलते हुए ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है? ये तो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। भाई ने थ्रॉटल छोड़ दिया, हम भी हल्की से थ्रॉटल छोड़ते हैं। फिर से आगे निकल गया मैं। ये क्या हो रहा है भाई? हाले थोड़ी पीछे हो गई है, ये पकड़ लिया मैंने, निकल भी गया आगे। हार्ले आ रही है भाई साहब, भाई साहब हल्का सा थ्रॉटल क्या छोड़े। ओ माय गॉड, ये इतना कैसे डाउन हो गया भाई? सेम चीज है, वही चीज है कि इसको अगर जगह मिले ना ये निकल जाएगी। मेरे हिसाब से दोनों सेम रहेगी क्योंकि मैं पकड़ रहा था आपको। मैं भी आपको पकड़ रहा था। वही बात। एक और अटेम्प्ट ले लेते हैं। चलिए एक और अटेम्प्ट देखते हैं। पकड़ लेगी, और क्या पकड़ ही लिया है भाई। सिक्स
सिक्स गियर पे शिफ्ट करते हैं। हाँ ये देखो, सिक्स गियर पे जैसे शिफ्ट किया भाई आगे निकल गए। सो ऐसा कुछ था परफॉर्मेंस टेस्ट, आप लोगों ने देख ही लिया कौन किससे आगे जा रहा था। ठीक है, मतलब देखो ऐसे घुमा फिरा कर देखा जाए ना तो दोनों सेम ही है। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा हल्का है एंड इसका डिज़ाइन से भी आप लोग देख ही सकते हो कि थोड़ा सा ना ये मतलब वो कम क्रूजर वाला फीलिंग है, हल्का सा ज़्यादा स्पोर्टी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे टाइप में देखो टैंक वैंक का फ्लो देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है एंड वो जो है ना पूरा हैवी क्रूजर में आता है ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हैवी क्रूजर है एंड वो वाला फील भी आप लोग को मिल जाएगा। इनिशियल में थोड़ा सा लैग है एंड टॉप एंड में जब ये निकल रही है ना तो इसको पीछे छोड़ देने से फिर उसको उससे मतलब आगे जाना मुश्किल हो जा रहा है। सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जा रहा है, ये इनिशियल में आगे निकल जा रहा है एंड वो जब निकल जा रहा है उसके पीछे पीछे स्लिप स्ट्रीम करते हुए ये फिर निकल जा रहा है। ठीक है, मतलब ये आगे जा रहा है कभी वो आगे जा रहा है तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर देखो 2 न्यूटन मीटर जो इसका टॉर्क कम है ना और यहाँ पर वेट भी कम है तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि इसका BHP जल्दी हिट कर रहा है, उसका BHP थोड़ा लेट हिट कर रहा है। बाकी दोनों सेम इंजन है एंड इसका क्योंकि देखो थोड़ा सा वेट कम है तो इसके वजह से इनिशियल वगैरह पिकअप थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को प्राइस बताऊँ यहाँ पर देखो इसका जो प्राइस है ना 2,70,80 के आसपास आप लोगों को पे करना होगा टॉप वेरिएंट के लिए एंड इसका जो टॉप वेरिएंट है इसके लिए आप लोगों को 3,45,000 के आसपास पे करना होगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है। अभी आप लोगों को अगर हार्ले ही चाहिए वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो प्रीमियमनेस है एंड एक्स्ट्रा थोड़ा सा मतलब ऐसे टॉर्की अगर मशीन चाहिए तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है। बट आप लोगों को अगर सेम इंजन चाहिए, वही वाला फील चाहिए एंड वो हैवी क्रूजर आप लोगों को नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड चाहिए तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट बाइक होगा। ठीक है, तो ये था गाइस छोटा सा एक परफॉर्मेंस टेस्ट। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो एक लाइक छोड़ देना एंड कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कौन सा बाइक आप लोगों का फेवरेट है। ठीक है, सो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप राइडिंग हार्ड गाइस। चलो बाय बाय।